हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खानपुर के भोगपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण उत्तराखंड की जनता में भावी उत्साह है। उन्होंने जो सम्मान उत्तराखंड की जनता को दिया उसे देखकर तय है कि यहां की जनता 5 लोकसभा सीटें जीतकर 30वीं बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल नारे दिए और केवल बातें बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। उनकी सरकार में लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान, किसानों को पेंशन, हर घर नल और जल, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना और एम्स जैसे बड़े अस्पताल दिए गए हैं। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। जब मैं पहले आता था बहुत बुरा जाम यहाँ पर लगता था, 3-3 घंटे यही रोटी से ही निकलने में लग जाते थे, परंतु आज आप बाईपास से दिल्ली भी अगर आपने जाना है तो दिल्ली जाने में मात्र 2 घंटे का समय आपको यहाँ से रोटी से लगता है, नहीं तो यही से दिल्ली जाने के अंदर ही आपको 6-7 घंटे लगते थे तब जाकर के दिल्ली पहुंचते। आज 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये अगर विकास की गति की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने की। भाइयों, भारत को सुरक्षित किया है, हमने वो समय देखा है। अपनी आंखों से जो ये न्याय की बात कर रहे हैं, आज इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इस बात को भी देश भूला नहीं है। भाइयों, पूरा का पूरा देश जानता है। अरे हेमराज, जो हमारा नौजवान भाई हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा था, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और उसको पकड़ करके उसके धड़ से गर्दन को अलग कर देते हैं। सरकार देखती रहती थी, सरकार कुछ नहीं बोलती थी। भाइयों, हमारे एक नौजवान भाई को किडनैप करके 100 रुपया लिया, उसके शरीर के 28 टुकड़े कर दिए। सरकार देखती रही, सरकार कुछ नहीं कर पाई। परंतु हमने वो समय भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के समय में हमारा अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर चला गया था और 24 घंटे के अंदर सुरक्षित भारत लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई,